हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको मंगलवार के दिन, जैसा कि सभी जानते हैं आज है मंगलवार का दिन और शाम के समय पितृपक्ष चल रहा है, तो आपको सोने से पहले यह काम कर लेना है। देखिए पितृपक्ष के दौरान मंगलवार के दिन जो व्यक्ति यह एक काम करता है उसके घर से पितृ दोष तो समाप्त होता है, घर की गरीबी दूर हो जाती है। केवल आपको पितृपक्ष में मंगलवार को ही करना है। पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाले किसी भी मंगलवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय सिर्फ शाम के समय ही किया जाता है। आपको एक दीपक जलाकर, दीपक में यह एक छोटी सी चीज डाल करके आपको इस तरीके से दीपक को जलाना है और इस स्थान पर दीपक जलाना है। तो ध्यान से वीडियो सुनना है ताकि गलती आपसे कोई भी ना हो। देखिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। दीपक लेने के बाद अगर आपके घर में शुद्ध सरसों का तेल है तो आप शुद्ध सरसों का तेल ही प्रयोग करें। नहीं मिलता तो चमेली का तेल ले सकते हैं। वैसे कोशिश करना कि सरसों का तेल आसानी से घर में मिल जाता है, तो सरसों का तेल ही आपको लेना है। सरसों का तेल लेने के बाद दीपक में सरसों का तेल डाल लें, फिर रुई की लंबी बाती आपको इसमें बना लेनी है और इसमें डाल देनी है। फिर आपको एक चुटकी काले तिल इसमें डाल देनी है। थोड़ा सा सिंदूर आपको हनुमान जी का नाम लेकर इसमें डाल देना है। फिर आपको एक रुपए का सिक्का लेना है और सीधे कहाँ जाना है, आपको जाना है पीपल वृक्ष के पास। शाम के समय आपको पीपल वृक्ष के पास में जाना है। अगर आप पीपल वृक्ष के पास जाते हैं तो आपको सबसे पहले पीपल वृक्ष को छूकर प्रणाम करना है। जो आपके पितर हैं उनका नाम स्मरण करके उनको प्रणाम करना है। फिर दीपक आपको जला देना है। दीपक जलाने के बाद आपको अपने पितरों के निमित्त आशीर्वाद लेने हेतु दोनों हाथ जोड़कर अपनी इच्छा को बोल देना है। घर में धन धान्य की कमी ना हो, पितृ दोष समाप्त हो जाए और जाने अनजाने में हुई गलतियां आपके पितर आपसे माफ कर दें, आपसे नाराज ना रहें और पितृ दोष को हमेशा के लिए समाप्त कर दें। और आप इसी कामना के साथ इस दीपक को जलाएं और फिर आपको उसी पीपल वृक्ष के पास में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके एक रुपए का सिक्का अपने पितरों का स्मरण करते हुए दबा देना है। और जैसे ही आप उस सिक्के को वहां पे दबाएंगे तो वहां से थोड़ी सी मिट्टी आपको घर लेकर आनी है और इसे घर के चारों कोनों में आपको थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। इससे घर का किसी भी नकारात्मक शक्ति होगी घर में, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ी होती है, धन नहीं रुकता है, लक्ष्मी नहीं आती है, तो वह दूर हो जाएगी और घर में पितरों का वास होगा और पितृ प्रसन्न मुद्रा में आपके साथ आएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। घर में वंश वृद्धि होगी, गरीबी का नाश होगा, धन बढ़ता ही जाएगा। इतना छोटा सा उपाय आपको पितृपक्ष के दौरान करना है। केवल मंगलवार को ही आप ये उपाय करेंगे। देखिए एक मंगलवार पितृपक्ष में आप ये उपाय करते हैं तो दूसरे मंगलवार तक देखना कि आपका जो व्यापार चौपट हो गया है वो कैसे प्रारंभ होता है, कैसे उसमें वृद्धि होती है। बस इतना छोटा सा काम आपको कर लेना है। उम्मीद है कि आज का उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।